हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 24 सितंबर थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, जीके के, साइंस के और रीजनिंग के, मैथ के, सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास हर एक शिफ्ट का एनालिसिस की वीडियो भी जाती रहे और जितनी भी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनका भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। यहां पे पहला क्वेश्चन है, एशिया महिला हॉकी कप 2017 किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है चीन को हरा करके। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन बैंक कौन सा है? ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2018 का ऑस्ट्रेलिया ओपन विनर कौन है? ठीक है, ये आपका रोजर फेडर राइट आंसर हो जाएगा। एक था आपका, किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ओडीआई में 200 रन बनाए? ये कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फकर जमान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था आपका, दीपा कर्मकार कौन सा गेम खेलती है? जिमनास्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट था आपका, मणिपुर की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? कुमारी अभिलाषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के नियम से आपका एक क्वेश्चन था, तो न्यूटन के नियम भी एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या रहेगा? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे था, संगीत किस वेद से लिया गया है? तो ये सामवेद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम फिल्म के निर्देशक कौन है? देखिए, आज हिंदी मीडियम फिल्म के बारे में कई क्वेश्चन आ चुके हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति चौधरी राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, एक फिल्म अगर आने लगी है ना तो उसको कम से कम भी 2-3 दिन तक तो क्वेश्चन बनते रहेंगे, तो हिंदी मीडियम फिल्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाइएगा कल को जिनका एग्जाम है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो बाहुबली मूवी थी उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। ठीक है, अब उसके बारे में पूछा जा रहा है, अब हिंदी मीडियम ये फिल्म आ गई है, अब इसके बारे में पूछा जा रहा है और 2-3 दिन तक तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, यहां पे है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की में लिखी गई है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, यंगेस्ट फीमेल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो सबसे यंगेस्ट फीमेल कौन है? वो पूर्णा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था, एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा CnH2n+2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक था यहाँ पे, देखिए बिल्कुल अजीब सा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम जो देखने को मिला है, 17091 ये कोड किस राज्य का है? तो ये आप मैंने सर्च नहीं किया है, आप सर्च करके बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अवार्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये लैंग्वेज उनकी है जो बच्चे फ़ोन पे बताते हैं कॉल पे कि सर अवार्ड से बहुत सारे क्वेश्चन थे याद नहीं है और करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आप देख के जाइएगा, करंट अफेयर से ज़्यादा पूछा गया तो इसका मतलब आपको करंट अफेयर पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और देखिए, ये वीवो के सीईओ जो पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट के, और देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के भी मिक्स होते हैं इसमें, तो ये मत सोचा करें कि ये क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट में नहीं आए थे, तो एक फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो वीवो के सीईओ कौन हो जाएगा? सैन वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीएच वैल्यू से क्वेश्चन थे, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन थे, अभी क्वेश्चन बहुत कम मिल पा रहे हैं, अब रीजन मुझे नहीं पता है, बहुत सारे बच्चे मतलब जितना पहले शुरू में बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए जाते थे अब इतने नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए कम क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं। एक क्वेश्चन था, अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? अकबरनामा, ठीक है, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये आज दोनों मतलब अलग अलग रीजन में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग का अगर बात की जाए तो देखिए बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ किस चैप्टर से कितने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, किसी किसी रीजन में, सभी में नहीं बोलूंगा मैं, 10 से 11 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब मुझे आप ये बताइएगा सही कमेंट बॉक्स में, अगर कोई पेपर देखा है कि ये सही है कि इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या। ठीक है, इस लोगिज्म से आपके 2 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, 1 से 2, कहीं कहीं पे 1 भी था, कहीं कहीं पे 2 भी थे। ठीक है, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन फिक्स है आपका, डायरेक्शन से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, सीरीज से भी कई क्वेश्चन थे। ठीक है, अब ये नहीं पता नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे पर कई क्वेश्चन थे, काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन था, एनालॉजी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, क्लोक कैलेंडर से 1-1 क्वेश्चन था आपका, मिरर एंड वाटर इमेज से भी क्वेश्चन था, बट एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं पता चला इसका कितने थे, कोडिंग डिकोडिंग से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके चैप्टर वाइज। अगर बात की जाए यहाँ पे तो इसमें बताना था आपको नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने हैं, एक कुछ इस टाइप की फिगर एक बच्चे ने बना के भेजी है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिखा है उसको, तो देख लेते हैं, शायद ये सेकंड या थर्ड शिफ्ट का भी हो सकता है। ठीक है, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये थर्ड शिफ्ट का ही है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये थर्ड शिफ्ट में नहीं आया।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, दो ट्रिक इसमें लगानी है। एक ट्रिक का तो हमें पता है, अगर इस तरीके से लाइनें खींची होगी एक बॉक्स में तो आपको वो कैसे करना है, ठीक है। बॉक्स चाहे आपका कैसा भी हो, ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, जितने भी उसमें काउंट होंगे ये ट्रेंगल्स, उनको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो गया, 16। अब इतने का तो हमारा काम खत्म हो गया, इसमें तो 16 हो गए, ठीक है। और अगर हम किसी भी ट्रेंगल में ये लाइनें खींचते हैं, 1 2 3 जितनी भी खींच दो, उसके ट्रेंगल कैसे काउंट करते हैं, उसमें हम करते हैं 1 2, उनको प्लस कर लेते हैं, ये वाली दूसरी ट्रिक है, ठीक है। तो 2 + 1 अपना कर लिया हमने, ये हो गया 3, ठीक है। अब इसको कितने हो गए, 16 और 3 19। अब दो जो हम काउंट नहीं कर पाते हैं ट्रिक में, वो कौन से होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये दो काउंट नहीं होते हैं, तो ये दो अलग से हमें ऐड करने होते हैं, तो कितने हो गए, 21। तो 21 ट्रेंगल्स हो जाएंगे इसमें, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एक तो क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जा सकता है, भाई वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में आपकी भी कुछ समझ में नहीं आता और मैं भी ज़्यादा थक जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर इसमें लाइनें खींची होती है, तो तब इसको कैसे काउंट करना था, 1 2 3 4, और इनको सभी को प्लस कर लेंगे, चाहे जितनी भी खींची हो उसमें लाइनें, ठीक है। तो ये वाला ट्रिक तो आपकी इसमें लगेगी, और जो आपका इस तरीके से कोई भी बॉक्स हो और उसमें आपकी इस तरीके से लाइनें खींची हो, चाहे जितनी भी खींची हो, तो आपको उसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल के, चाहे जितने भी हो गए, 9 10 भी होगा, तो उसमें बस आपको 2 की मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ ट्रेंगल इसके तो अलग से निकालेंगे, इसके अलग से निकालेंगे, और दो इसलिए ऐड करें क्योंकि ये वाला जो है और ये वाला जो है ये काउंट नहीं हो पाता है ट्रिक में, ठीक है। तो ये 21 हो जाएंगे इसमें। एक था आपका मिठाई, टॉफी और तीखे में वेन डायग्राम बनाना था, तो ये तीनों के तीनों ही अलग हो जाएंगे, ठीक है। मिठाई भी अलग चीज़ है, टॉफी भी अलग चीज़ है, और तीखा भी अलग चीज़ है। ये तो नहीं बोल सकते कि कुछ मिठाई टॉफी, कुछ टॉफी तीखा, कुछ ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। अगर यहाँ पे होता कुछ इससे अलग, तीखे के स्थान पे होता आपका खाना, यानी कि खाने वाली वस्तु, तो यहाँ पे हम कर सकते थे कि मिठाई और टॉफी दोनों खाने वाली वस्तु बन सकती थी, तो बट यहाँ पे तीनों के तीनों चीज़ें ही अलग है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिए होंगे, ठीक है, या फिर तीन अलग से दिए होंगे, जैसे भी दिए होंगे, बट आपको ये तीनों के तीनों अलग ही करने थे, ठीक है। एक था आपका फाइंड मिरर इमेज ऑफ 6:10 का आपको मिरर इमेज बताना था। तो इसकी ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, सॉरी। जब भी आपको यहाँ पे होता है कि 6:10 पे, ठीक है, यानी कि 12 से नीचे नीचे जो भी आपका पूछा जा रहा है उसमें आपको क्या करना होता है, सॉरी, जब भी आपको मिरर इमेज पूछी जाती है तो आपको 1160 में से माइनस करना होता है वही वाला, मतलब जो भी 6:10, 5 जितना भी कुछ भी होगा उसको 1160 में से, ट्रिक है, मैं यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बस आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, 1160 में से उसको माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा वही उसका मिरर इमेज बन जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया, ये कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर यहीं पे आपका वोटर इमेज पूछ लिया जाए तो 1860 में से आपको माइनस करना है, ठीक है। मान लीजिए इसका पूछ लिया जाए आपका वोटर इमेज क्या होगा, तो इसको हम 1860 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, वोटर इमेज, ठीक है। ये मिरर इमेज के लिए ट्रिक है, और 1860 ये लिख लीजिए आप, ये आपकी किसकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी वोटर इमेज की। वोटर इमेज, मिरर इमेज, दोनों समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बनाने की जरूरत भी नहीं है। वैसे मैंने आपको समझा दिया बस थोड़ा सा हल्का सा, कि यहाँ पे मान लीजिए ये बोला है ना कि 6:10 बजे थे घड़ी में, तो अब क्या बजेंगे, बाद में 5:50 हो जाएगी, तो 5:50 में आप देख लीजिए करके कुछ इस तरीके से बजेंगे, तो ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, ठीक है भाई। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन देखते हैं। कथन था कि कुछ झटके खरोंच हैं, कोई भी दर्द खरोंच नहीं है, कुछ निशान झटके हैं। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था भाई, देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक नहीं वाली कंडीशन थी, वो मैं यहाँ पे बताने के लिए ये वाला किया है डायग्राम, मतलब ये सिलोगिज्म वाला लिया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का था, तो कुछ झटके आपके दे रखा है, कुछ झटके क्रोच है, तो कुछ झटके आपके क्रोच हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। कोई भी दर्द क्रोच नहीं है, तो आपका जो दर्द है वो कोई भी क्रोच नहीं है, इनके बीच में ना नहीं का रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ निशान झटके हैं, तो कुछ जो झटका है उसमें हल्का से एक निशान वाला ये बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझिएगा, कई बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि सर ये जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला है, समझिएगा कि कुछ निशान झटके हैं, तो बोलेंगे सर कैसे हो सकते हैं निशान झटके। यार ये ना सिलोगिज्म जो चैप्टर होता है आपका कथन निष्कर्ष वाला, इसमें आपको ये नहीं सोचना होता कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, जैसे इन्होंने बोला वो लिख लीजिए। यहाँ पे ये भी बोला जा सकता है कि एक सभी के सभी हाथी चूहे हैं, तो सभी के सभी हाथी चूहे हो सकते हैं, ये आप ये नहीं मना नहीं कर सकते कि हाँ नहीं हो सकते, ठीक है।
तो यहाँ पे जो कथन निष्कर्ष वाला जो चैप्टर होता है, जो कथन में बोला गया उसको आप लिख लीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बन जाएगा एक वेन डायग्राम आपका, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देख लेते हैं निष्कर्ष में क्या क्या दिया है। सभी क्रोचे कभी भी झटके नहीं हो सकते, तो यार ये वाली जो ये है ना, कभी भी नहीं हो सकती ये वाली, अगर इनके बीच में रिलेशन नहीं बताया इन्होंने, क्या बोला, सभी क्रोचे, सभी की सभी क्रोचे कभी भी झटके नहीं हो सकती, तो झटके ये वाला है तो कभी भी झटके नहीं हो सकती, तो ये वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आया है, सभी सॉरी कभी भी, कभी भी का मतलब होगा कभी भी नहीं हो सकती, तो ये वाला हम गलत कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ये राइट नहीं हो सकता। दूसरा यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि कभी कभी वाला कोई वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे हो सकता था कि सभी खरोंचे झटके नहीं हो सकती है, तो ये वाला आपको राइट हो सकता था, बट कभी भी ये वाला वर्ड यूज होते ही तो आपको इसको हटा देना है। नेक्स्ट आपका सभी दर्द के निशान होने की एक संभावना है, यार संभावना वाला क्वेश्चन मैं बहुत दिन से आपको कराना सोच रहा था, ये संभावना वाली कंडीशन आपकी हमेशा राइट रहती है, क्योंकि संभावना में क्या होता है, यहाँ पे क्या बोला गया, सभी दर्द के निशान होने की संभावना, यानी कि सभी के सभी दर्द निशान के अंदर भी तो आ सकते हैं ना, तो ये संभावना बताइए, इन्होंने 100% क्लियरिटी के साथ में नहीं बोला कि सभी दर्द संभावना हो सकते हैं, अगर ये बोला जाता तो ये गलत होता, अभी यहाँ पे बोला संभावना है, तो यहाँ संभावना हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए ये वाला दर्द वाला डायग्राम यहाँ से मैं हटा दूँ और इसको यहाँ पे बना दूँ, तो ये निशान के अंदर आ गया ना, तो सभी के सभी दर्द आपके निशान हो जाएंगे, तो इस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हैं। संभावना में आपके मतलब 99% जो चांस होते हैं वो राइट करने के ही होते हैं, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे था सोडा वाटर और एक मिनरल वाटर, ठीक है, एक था आपका लिक्विड, तो यहाँ पे इनमें वेन डायग्राम आपको बनाना था, तो सोडा वाटर और मिनरल वाटर जो होंगे वो दोनों के दोनों लिक्विड है, तो ये लिक्विड को मतलब इनको कवर कर लेगा, तो ये सोडा वाटर हो गया, मिनरल वाटर हो गया, और इन दोनों को कवर किसने कर लिया, लिक्विड ने, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही लिक्विड होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का कुछ वेन डायग्राम बन जाएगा। एक और देखते हैं यहाँ पे कथन निष्कर्ष का, सभी कार्यक्रम फिल्म है, सभी नाटक कार्यक्रम है और सभी फिल्म थिएटर है, यानी कि सभी वाला कंडीशन वाला भी कई बार आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, सभी के सभी जो नाटक है वो कार्यक्रम है, और जो सभी के सभी कार्यक्रम है वो फिल्म है, और जो सभी के सभी फिल्म है वो थिएटर है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो आप पढ़ लेते हैं किस तरीके के यहाँ पे निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले सभी नाटक थिएटर है, तो सभी के सभी नाटक थिएटर बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि नाटक जो है अंदर है, थिएटर सबसे बाहर वाला डायग्राम है ना, तो इसका मतलब सभी के सभी नाटक थिएटर हो सकते हैं, क्योंकि ये नाटक जो है जो थिएटर के अंदर फिल्म है, और फिल्म के अंदर कार्यक्रम है, और कार्यक्रम के अंदर नाटक है, तो ये सभी के सभी नाटक थिएटर हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी इसके अंदर होगा वो सभी वाली कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई करता होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कुछ कार्यक्रम निश्चित रूप से थिएटर नहीं है, तो नहीं वाली तो कंडीशन ही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे नहीं का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, सोचना भी नहीं, एकदम हटा देना है, क्योंकि जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो नेगेटिव कंक्लूजन आपका कभी नहीं निकल सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, तो इसको हटा देंगे, राइट आंसर आपका केवल वन रहेगा, ठीक है। एक देखिए कुछ इस तरीके का था आपका एनालॉजी का क्वेश्चन, कि हॉकी और इंडिया और फिर बेसबॉल का आपको पूछा था, तो इंडिया का जो आपका राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, हॉकी है, तो बेसबॉल आपका किसका है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, तो यहाँ पे आना था आपका अमेरिका, राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बहुत ही अजीब सी थोड़ी सीरीज थी ये वाली, ठीक है, मैं भी मतलब कहीं बहुत देर तक सोचने के बाद इसको किया है, अब ये पता नहीं या तो संख्या कुछ इधर उधर है इसमें, पर जो भी है, बट इसको करने का तरीका सिर्फ एक ही मिला है, कि इसमें +3 करें, ठीक है, फिर +8 करें, और जो इनके बीच का अंतर आ रहा है वो 5 आ रहा है, फिर इनके भी बीच का जो आ रहा है आपका 2 आ रहा है, ठीक है, फिर 2 आ रहा है, तो इस तरीके से कुछ ये गंदी सी सीरीज थी भाई, इसको आप चाहे मतलब ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बताया था तो मैंने आपके आगे प्रेजेंट कर दिया, बाकी इसमें कुछ मुझे लगा नहीं ये बताने लायक, ठीक है, तो कुछ मतलब अजीब सा ही क्वेश्चन है। तो चलिए बात कर लेते हैं मैथ के कुछ क्वेश्चंस की, और मैं बाद में बताऊंगा इस वीडियो के एंड में टॉपिक मतलब किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3068 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि इनके भागों में से क्रम 10 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपये कम कर दिए जाए तो शेष धन 5:6:7 के अनुपात में होगा, इसमें B का भाग कितना होगा। तो यार जब हमें ये रेशो दे दिया गया है बट ये वाले माइनस करने के बाद में, ठीक है, तो ये रेशो दे दिया गया है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशो के इक्वली वैल्यू बनानी पड़ेगी, वो कैसे बनेगी, ये सब कुछ घटाने के बाद, ठीक है, तो इन सभी को प्लस करिए 10, 14 और 20 को, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 3068 में से 44 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 3024। अब जो 3024 है हम इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं,
कोई बड़ी बात नहीं है, तो ठीक है इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इन सभी रेशो का सम कितना हो जाएगा, 5, 6 और 7 का आपका 18 हो जाएंगे। तो 3024 को 18 से डिवाइड कर देंगे। पूछा किसका गया, बी का, बी का शेयर कितना है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 168 टाइम जाएगा, 168 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आपका 1008 आ जाएगा। और अभी ये आंसर नहीं आया है, ये आंसर कब का आया है, जब इसमें से हमने ये चीज़ें माइनस कर दी थी। और यहाँ पे पूछा क्या गया है इनमें बी का भाग कितना होगा, तो बी का ओरिजिनल भाग हमें बताना है ना, जो ये माइनस करे बिना बताना है। तो बी का हमने कितना माइनस किया था, 14, तो इस 14 को भी प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1022, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था आपका कि टीवी सेट का मूल्य जो यानी कि एमआरपी थी 100, ठीक है, और यहाँ पे क्रय मूल्य था 80 और विक्रय मूल्य था 120, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बतानी थी। अब ये क्वेश्चन आपको मिल गया बिल्कुल लिखा हुआ एक सीक्वेंस में, तो आपको लग रहा होगा बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। अभी यही क्वेश्चन जब आपको पूरा लैंग्वेज में मिलेगा तो यही आपको हार्ड लगने लगेगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचा करें कि इतने आसान से क्वेश्चन है। अब इसमें अगर एमआरपी भी दे दी जाए और ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि एमआरपी से हमें प्रॉफिट निकालें या क्रय मूल्य से, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य से ही हम प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य कितना था उस चीज़ का और हमने विक्रय यानी कि सेल कितने में कर दिया, खरीदा कितने में था और सेल कितने में कर दिया, उस चीज़ से हमें मतलब रहता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता अगर एमआरपी है। एमआरपी हम सिर्फ डिस्काउंट के लिए अप्लाई करते हैं, जब भी डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज, भाई 80 रुपये की चीज़ को हमने 120 में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40 का, तो हम 40 पे हम मतलब वो निकालेंगे ना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपका 40 है, किस पे निकालते हैं हमेशा, क्रैप यानी कि सीपी पे, कोस्ट प्राइस पे, लागत पे। तो लागत हमारी थी 80 का चीज़ खरीदी थी ना, तो 80 अपॉन में रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें निकालनी है परसेंटेज। तो कितना हो जाएगा, 40 से 80 जाएगा 2 बार और 2 से 100 जाएगा, 50% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन था, ठीक है। परसेंटेज के तो अगर मैंने देखे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन था दोस्तों देखिए इस टाइप का, अच्छा क्वेश्चन है। अभी ए तथा बी एक कार्य को अकेले अकेले 45 दिन तथा 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने इकट्ठे कार्य करना आरंभ किया लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य 23 दिन में समाप्त कर दिया, ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा सा ए और बी का जो कार्य दे रखा है यहाँ पे 45 दिन और 40 दिन में, यानी कि ए किसी काम को 45 दिन में करता है और बी उसी काम को 40 दिन में करता है। सबसे पहला स्टेप एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 360 को अगर मैं 45 से भाग कर दूं तो ए का एक दिन का कार्य आ जाएगा 8 यूनिट आ गया, ठीक है। 60 को 40 से भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा, बी का एक दिन का 9 यूनिट वर्क आ गया। अब यहाँ पे जो लाइन दे रखे है इसको ध्यान से पढ़िए और पूरा क्वेश्चन आपका समझिए हो चुका है। उन्होंने इकट्ठे कार्य करना शुरू किया, मतलब इकट्ठे ही उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, अब ये नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ा है, ठीक है। तथा बी ने शेष कार्य को 23 दिन में किया। अब मुझे ये बताइए, अगर बी जो बचा हुआ कार्य है यानी कि शेष कार्य बचा था उसको 23 दिन में करेगा, तो बस ये निकाल लीजिए ना कि बी ने वर्क कितना किया होगा 23 दिन में। भाई बी एक दिन में 9 वर्क करता है तो 23 दिन में कितना किया होगा, 207, तो उन 23 दिन में इसने 207 वर्क किया, तो इस 207 को माइनस कर देते हैं, बचेगा कितना 153। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि 23 दिन में समाप्त कर दिया, बी ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा था, मेन चीज ये बतानी है आपको कितने दिन बाद छोड़ा था। अब मुझे ये बताइए, जो ये कार्य बचा है 153 कार्य बचा है ना, इसको किस किसने किया होगा, इसको ए और बी दोनों ने किया होगा, क्योंकि 23 दिन का कार्य हमने माइनस कर दिया है, जो 23 दिन का अकेला बी ने किया था वो कार्य तो मैंने माइनस कर दिया, बचा हुआ कार्य 153 है और इस 153 को ए और बी ने दोनों ने किया होगा। ए और बी दोनों मिलकर के 17 वर्क करते हैं, तो इस टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे, 153 को तो 17 से डिवाइड कर देंगे, 9 आ जाएगा, 9 डेज बाद ए ने कार्य छोड़ा था, यानी कि 9 दिन तक तो दोनों ने वर्क किया था साथ में, फिर 9 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपका नाव धारा से भी डेली पूछा जाने लगा है और थर्ड शिफ्ट में तो आता ही आता है, ठीक है, तो देख लीजिए एक बार इसको। एक नाव धारक के विरुद्ध एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लेती है, ठीक है।
जबकि समान दिशा के आने में 4 घंटे, यानी कि उसी दिशा में, यानी कि डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे का समय लेती है। तो नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मतलब बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम दे रखा है, ठीक है। अगर टाइम मिल जाए हमें तो हम क्या निकाल सकते हैं उससे, टाइम से हम स्पीड निकाल सकते हैं ना, स्पीड का रेशो, ठीक है। तो अभी इस पूरे क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, देखिए कैसे। आप स्ट्रीम का टाइम दे रखा कितना, 8 घंटे 48 मिनट, 8 घंटे 48 मिनट लिख लिया। डाउन स्ट्रीम का यानी कि धारा की दिशा में जब जाता है तो टाइम ऑब्वियसली बात है कम ही लगेगा, तो डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे लग रहा है, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में आपको कोई डाउट तो नहीं है ना। देखिए जब डाउन स्ट्रीम वो होती है जब पानी की डायरेक्शन में नाव चलेगी, और अप स्ट्रीम जब होती है जब पानी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और नाव इस डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक है, उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इसका मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको जो मिनट लिखे इसको घंटे में बदल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये घंटे में है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही घंटे में है। तो इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 48 मिनट को 60 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 4/5 आ जाएगा, ठीक है, 12 से कट करेंगे, ठीक है। तो 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, तो कितना हो गया ये, अगर इसको इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो 44/5 आएगा, और इधर कितना है 4। इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के इनका मतलब रेशियो बना लेंगे, इनका एलसीएम 5 ही आएगा, ठीक है, इधर तो 1 ही रहेगा ना, जब किसी के नीचे कुछ नहीं हो तो हम 1 मान लेते हैं, तो इधर रहेगा आपका 5, यानी कि एलसीएम 5 आ गया, तो ये तो आपका 44 ही रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, ये आपका 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 × 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रेशियो बन गया 44 × 20, ठीक है। अब इसको भी हम कट कर लेंगे किससे, 4 से कट हो जाएगा 11 बार, और एक हो जाएगा 5 बार, तो इनका जो टाइम का रेशो बना है वो 11:5 बना है। स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशो टाइम के रेशो से अपोजिट होता है, क्योंकि भाई जो ज़्यादा टाइम लेगा वो उसकी स्पीड कम रही होगी, और जो कम टाइम लेगा उसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी, तो इसलिए इनका अपोजिट रेशो होता है। तो टाइम का रेशो अगर आपको मिल गया, स्पीड का रेशो भी आपको समझिए मिल गया, 5:11 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, देखिए दोबारा से पढ़ लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है तो नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। अब हमें क्या बताना है, नाव की चाल और धारा की चाल बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट बताना है, ठीक है, यानी कि पानी की चाल। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट अगर हम निकालते हैं तो हम उसका फॉर्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को प्लस कर लेते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की चाल को प्लस कर लेते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो वो आ जाता है आपके बोट की चाल, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 16, और 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ये तो आ गया आपकी बोट की चाल। अगर यहाँ पे निकालना है पानी की चाल, वोटर की चाल अगर निकालनी है, तो उसमें क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का अंतर कितना है आपका 6 का है, और 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इनके बीच का रेशियो ये पूछा है कि 8:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो बोट एंड स्ट्रीम का पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा रखा है, उसको अच्छे से जाके एक बार देख लीजिए, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं मेरी, जो मैंने अपना रीजनिंग का और मैथ का क्रैश कोर्स बनाया था 15 वीडियोज़ का, अगर आपने वो नहीं देखा है अभी तक उसको जरूर देख लीजिएगा, उसकी सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज पहले भी अपलोड कर रखे हैं, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं अगर आपके पास 5-7 दिन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों ही मैं बता देता हूँ इसमें, ठीक है। वैसे तो एचसीएफ का पूछा गया था, बट दोनों ही देख लेते हैं। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू होती है और उनका आपको पूछ लिया जाता है, एचसीएफ निकालिए या फिर एलसीएम निकालिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं एलसीएम अगर निकालना पड़ जाए और इस तरीके से फ्रैक्शन में आपको वैल्यू दे रखी हो, 4/7, 6/5, 8/3, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू का आपको क्या निकालना है, एलसीएम, और नीचे वाली वैल्यू का क्या निकालना है, एचसीएफ। यही आपका मतलब इसमें मेथड यूज होता है। तो अगर इसका ऊपर वाली का एलसीएम निकाले तो बस आपको एक ऐसी, देखिए ये तो बहुत ही छोटी छोटी सी संख्या है, इनमें आपको एक ऐसी संख्या देखनी है, वह आपकी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए, तो वो क्या है देख लीजिए आप, 24 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों से भाग हो जाए, या फिर आप बिल्कुल जैसे एलसीएम निकालते हैं ना 4, 6, 8 करके, उस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 4, 6, 8 का एलसीएम जो होगा आपका 24 होगा। फिर यहाँ पे जो देखना है आपको 7, 5, 3 में, यानी कि अगर इनका एचसीएफ निकालना है, तो इसमें भी आपको बिल्कुल वैसे ही करते हैं हम, जैसे ये लिख करके 7, 5 और 3, ठीक है। अब आपको देखना है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग कर सके, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग कर सके। तो इन तीनों को भाग करने वाली कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है, एक से, सिर्फ एक से भाग हो सकता है और किसी से भाग नहीं हो सकता। तो 24/1 है, इसका मतलब आपका 24 ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप इस चीज़ को, कोई डाउट नहीं है ना भाई।
एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना बिल्कुल एक ही मेथड है, आप इसको जानते हैं ना, 4, 6 और 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, और 2 चौक 8, फिर 2 से कट कर लीजिए, 1 बार जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 से कर लीजिए, ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 4 चौक 16, मतलब इसका यही 24 ही आपका आ जाएगा, ठीक है भाई, तो इसमें कोई वो नहीं है, तो यहाँ पे आपका 24 हो गया। और इसका अगर हम निकालें, एच सी एफ निकालना है, तो एच सी एफ में आपको ऊपर वाले का एच सी एफ और नीचे वालों का एलसीएम आपको करना है। अगर मैं ऊपर वालों का एच सी एफ देखूँ, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग कर सके, वह बड़ी से बड़ी संख्या सिर्फ आपकी 2 होगी, 2 से बड़ी तो कोई संख्या नहीं होगी जो इन तीनों को भाग कर सके, तो वही एच सी एफ हो जाएगा इसका। वह आपकी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए, ठीक है, तो वो हो गया आपकी 105, ठीक है। अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जब भी इस तरीके से आपको होता है तो बस सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए जैसे कुछ नंबर होते हैं जिनके आपको एलसीएम निकालना होता है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे कोई भी नेक्स्ट नंबर है, जैसे मतलब 11, 12, 15, 16, 17, 18, कुछ भी ऐसे 2 नंबर लिखे हैं, उनका एलसीएम निकालना है, तो सीधी उनकी मल्टीप्लाई करिए, वो एलसीएम हो जाएगा। जैसे 18, 19, 20, कितने भी नंबर लिखे, उन तीनों की मल्टीप्लाई करिए, वही उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है आपका, दो रेलवे स्टेशन ए बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर, एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है, 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है, दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, ए से पूछा है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, देखिए मतलब ये क्वेश्चन हो गया आपका, एक हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना, ट्रेन की लंबाई निकालना, मतलब सब क्वेश्चन सेम ही होते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझ में आए तो सारे समझ में आ जाते हैं। यहाँ से ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, टोटल 220 किलोमीटर की है। यहाँ पे पहले कौन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले ए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाता है और 30 मिनट बाद बी स्टार्ट होता है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर ए पहले चल दिया है 30 मिनट पहले, तो 30 एक घंटे में ये चलता है 80 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना चलेगा, 40, तो ये 40 हमें 220 में से माइनस करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी ए अकेला चल चुका है, तो 220 में से 40 को माइनस करेंगे तो 180 किलोमीटर बचेगा, ठीक है। अब इस 180 को डिस्टेंस को कवर करेगा कौन, ये दोनों मिलके, तो 180 डिस्टेंस को कवर करना है दोनों को, दोनों एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करते हैं, एक तो होता है एक ही डायरेक्शन में मूव करना और एक होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो दोनों की चाल का डिफरेंस लेते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो तब आपको क्या करना होगा, दोनों का आपको क्या मतलब प्लस कर लेना होगा चाल को, ठीक है। तो दोनों की चाल को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 180, 180 को 180 से भाग कर देंगे, एक घंटा आपका लगेगा। बट यहाँ पे ये नहीं पूछा कि कितनी टाइम में, अगर यहीं तक क्वेश्चन होता कि कितनी देर में पहुँचेंगे तो एक घंटा हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता, बट यहाँ पे पूछा है कि ए के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो देखिए एक घंटे में ए कितना चलेगा, 80 चलेगा, तो एक घंटे बाद मिले हैं, इसका मतलब 80 तो यहाँ से यहाँ तक चला होगा, 40 ये पहले चल चुका है, तो कुल मिला के ये 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। ए से कितने, ए के से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 120 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है, क्योंकि 80 एक घंटे में ये चला होगा और 40 ऑलरेडी पहले चल चुका है, तो 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, अगर आपके पास टेलीग्राम है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बस सर्च करना है टॉपिक स्टडी, अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपको टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन करना पड़ेगा, बहुत सारी पीडीएफ ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी है, तो उनको डाउनलोड कर लीजिएगा, उनसे पढ़ लीजिएगा, और ये पीडीएफ भी मैं अभी वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।